चलिए टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन का लेक्चर नंबर 2 है, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 जो है उसमें हमने बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिक्स वगैरह कुछ सीखा था। नाउ इट इज लेक्चर नंबर 2 फॉर दिस बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। आज हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन से कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ करेंगे। लेट मी राइट द नंबर ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, number of molecules in speed range v to v plus dv is, अगर मैं आपको बोलूं कि कितने molecules होंगे जिनकी स्पीड होगी v से v plus v dv तक, ठीक है, v से v plus v dv तक कितने molecules होंगे, यानी आपने क्या किया है, एक velocity range select किया हुआ है, velocity between v and v plus v dv, v plus dv, तो आपको काउंट करना है इस रेंज के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, ठीक है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर दियर जिनकी स्पीड क्या है v से लेके v प्लस dv रेंज तक आती है, यानी इस रेंज को देखा जाए तो इट इज dv, ठीक है, कितने मॉलिक्यूल की स्पीड है जो इस रेंज में, ठीक, तो वो नंबर जो है ना वो हमें बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन से पता चलता है, डी एन वी, उसको ऐसे लिखते हैं, डी एन वी इज नथिंग बट इट इज 4πm/2π kt raised to power 3/2 v square e to the power of minus mv square by 2 kt into dv, ठीक है कि नहीं, है ना, तो ये जो है ना दिस इक्वेशन गिव्स अस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी स्पीड होगी बिटवीन द रेंज v टू v प्लस dv, इस रेंज में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी स्पीड ये होगी, ठीक है, v से लेके v प्लस dv तक, तो ये जो फॉर्मूला है। नाउ अब हम अगर एवरेज के लिए डेफिनेशन देखें, नाउ एवरेज वेलोसिटी जो हमें पता है, एवरेज वेलोसिटी उसके लिए डेफिनेशन देखें, तो एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय लाइक दिस, एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन इस तरह से डिनोट करते हैं एवरेज वेलोसिटी को, वी बार, एंड इट इज गिवन बाय 0 to infinity वी डी एन वी डिवाइडेड बाय इंटीग्रल 0 to infinity dnv, ठीक है कि नहीं, ये जो है ना ये हम लेते हैं इंटीग्रल फॉर्म में, ये एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन, ठीक, अब देख लीजिए ये जो इसका डिनोमिनेटर है ना, इट सम्स ये सारे dnvs को प्लस करता है, ठीक है, सपोज इस वेलोसिटी रेंज के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं दैट इज dnv, सपोज इस मॉलिक्यूलर रेंज के, इस रेंज के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो dnv है, ठीक है, अगर मैं गैस के अंदर ऐसे ऐसे इंटरवल्स को सिलेक्ट करता जाऊं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे इंटरवल्स ले लूं और उन सब इंटरवल्स का प्लस कर लूं, ठीक है, व्हाट आई विल गेट द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है कि नहीं, मतलब मैं कह रहा हूं कि अगर एक गैस है उसके अंदर क्या करेंगे, उसके अंदर इसी तरह से एक छोटे छोटे रीजन हम सिलेक्ट करेंगे, पूरे गैस के अंदर एक छोटा रीजन, उसके बाद एक और बहुत सारे छोटे रीजन सम देखेंगे, डिवाइड करेंगे गैस को इंटू दीज रीजन, उसके बाद सारे रीजन का सम अप कर लेंगे, यानी इंटीग्रेशन ऑफ डीएनवी, दिस विल गिव मी द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गैस, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गैस, लेट मी सपोज इसको मैं एन से डिनोट करता हूं, तो आई कैन राइट इट 1/n, और ये जो टर्म है अपनी जगह आएगी, इट विल बी 0 to infinity v dnv, ठीक है कि नहीं, ठीक, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हाउ कैन वी राइट इट, बेसिकली वी कैन राइट इट लाइक दिस वे, ये जो dnv है ना, इस dnv का वैल्यू मैं इक्वेशन यहां से इक्वेशन 1 से मैं पुट कर सकता हूं, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 1, तो व्हाट आई विल गेट यूजिंग equation number 1, I will get V bar equivalent to, I can write V bar equivalent to 1/n and then integral 0 to infinity, शाबाश, अब मैं V को अपनी जगह पे रख रहा हूँ, ठीक है, और dnv जो है इसका पूरा वैल्यू मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो it will be 4πm/2πkt to the power 3/2, then it is V स्क्वायर, और यहाँ पे एक वी ऑलरेडी है, तो इट विल बिकम वी क्यूब, ठीक है कि नहीं, और ये एक्सपोनेंशियल वाली टर्म ई टू द पावर एम वी स्क्वायर बाय 2kt एंड लास्ट पे डीवी, ठीक है, मीन्स वी हैव टू डू दिस इंटीग्रल, हमें इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है, पहले हम देखेंगे कि इस इंटीग्रल में कॉन्स्टेंट टर्म कौन कौन सी है, आप देखो 4πn इज अ कॉन्स्टेंट, 4πn इज कॉन्स्टेंट, and then m/2πkt, this term is also constant, m/2πkt is also constant, raised to power
टू बाई थ्री, जीरो टू इन्फिनिटी बचेगा वहां पे वी क्यूब ई टू दी पावर माइनस एम वी स्क्वायर बाई टू के टी डी वी, दिस इज दी एक्सप्रेशन. और ये जो एन है इट इज हेयर, राइट. तो ये जो टर्म्स है ना यहाँ पे 4 पाई एन एम बाई टू पाई के टी, ये सारी टर्म्स कॉम ये डिफरेंस इंटीग्रेशन से बाहर आ गई बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंट्स एंड द इंटीग्रेशन इज विद रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी. सो टर्म्स जो बची वो बची वी क्यूब ई टू दी पावर माइनस एम वी स्क्वायर बाई टू के टी, राइट. तो आप यहाँ पे एन और एन को कैंसिल कर सकते हैं, तो वी बार विल बी इक्वल टू पाई 4 पाई, ठीक है, इट इज एम बाई टू पाई के टी टू दी पावर 3 बाई टू. And then that integral, this integral will be 0 to infinity, v cube e power minus mv square by 2kt dv. ठीक है कि नहीं, है ना. तो वो जो इंटीग्रल वहां पे है, this integral, इस इंटीग्रल को हम सॉल्व नहीं करेंगे. I will just write its value. It's a standard integral. I will write its value. Otherwise, ये जो प्रोसेस है ये बड़ा लंबा खींच जाएगा. इंटीग्रेशन इसको करेंगे तो इसका जो डायरेक्ट वैल्यू है, रिजल्ट है, वो मैं लिख रहा हूं कि इसका डायरेक्ट वैल्यू क्या आएगा. इस इंटीग्रल का जो वैल्यू आता है इट इज एक्चुअली 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड देन m बाय 2kt होल स्क्वायर, इसका ये वैल्यू आता है. ठीक है, तो इस इंटीग्रल की जगह हम ये वैल्यू रख देंगे तो हमारी जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगी. शाबाश, वी कैन जस्ट राइट रिराइट आवर फॉर्मूला लाइक दिस वे. वी कैन से वी बार is equal to 4 pi m by 2 pi kt to the power 3 by 2 into, और उस इंटीग्रल का वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं, इट इज 1 by 2 राइट m by 2 kt होल स्क्वायर. ठीक है, अब यहां पे आप एक चीज देख लीजिए, कैन आई राइट इट लाइक दिस वे, v बार इज 4 pi, ये जो pi है ना यहां पे इसका पावर क्या है 3 by 2, लेट मी राइट इट pi रेज पावर 3 by 2 अलग से. ठीक है, तो बचा क्या, बचा m by 2kt to the power 3 by 2. ठीक है, और ये जो 2 है मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं. ठीक, ये जो टर्म है ना m by 2kt इसको मैं ऊपर ले रहा हूं तो इट विल बिकम m by 2kt raised to minus 2. ठीक है कि नहीं, क्योंकि जब ये डिनोमिनेटर में थी तो पावर पॉजिटिव था, अभी न्यूमरेटर में आ गई तो पावर जो है वो नेगेटिव रह जाएगा. ठीक है, तो v बार विल बी यहाँ पे आप देख लीजिए 2 आएगा. ठीक है, और ये जो पाई है ना इसका पावर 1 है, अब इसको आप ऊपर ले जाइए तो इट विल बी पाई रेज पावर माइनस 3 बाय 2. और ये जो टर्म है ना ये दोनों हियर बेसिस आर सेम, m बाय 2 kt m बाय 2 kt, सो व्हेन बेसिस आर सेम पावर शुड बी एडेड, तो इट विल बी 2 kt रेज टू पावर 3 बाय 2 माइनस 2. सो वी कैन राइट v बार इज 2, यहाँ पे भी देख लीजिए पाई रेज टू पावर 1 पाई रेज पावर माइनस 3 बाय 2, देयर बेसिस आर सेम पावर शुड बी एडेड, तो वी कैन राइट पाई इज नथिंग बट 1 माइनस 3 बाय 2. तो वी कैन जस्ट राइट इट m बाय 2 के टी टू दी पावर 3 बाय 2 माइनस 2, तो दैट विल बिकम 3 माइनस 4 बाय 2. तो v बार विल बी इक्वल टू 2 पाई एंड दिस विल बी माइनस 1 बाय 2, दिस विल बी m बाय 2kt raised to power of minus 1 by 2. ठीक है कि नहीं, है ना. अब हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं, तो वी कैन राइट इट v बार इज इक्वल टू, देख लीजिए इसका पावर भी माइनस 1 बाई 2 है, इसका पावर भी माइनस 1 बाई 2 है, मीन्स आई कैन टेक इट इनसाइड, देयर इज नो प्रॉब्लम. सो इट विल बी 2, देन इट विल बी m पाई m बाय 2kt होल टू पावर माइनस 1 बाई 2. इफ आई वॉन्ट टू मेक द पावर पॉजिटिव आई हैव टू टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द इनसाइड टर्म, ब्रेसेस में जो टर्म है इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो ये जो आएगा इट विल बी राइट, वी कैन राइट इट 2, देन इट इज 2 के टी बाय पाई एम होल टू द पावर 1 बाई 2, या वी बार कैन बी रिटन एज 2 इंटू देन आई कैन टेक इट्स अंडर रूट 2 के टी बाय पाई एम, वी कैन टेक द रूट राइट, बिकॉज 1 बाई 2 इज एक्चुअली द स्क्वायर रूट. अच्छा, अगर इस 2 को हम स्क्वायर रूट के अंदर ले जाएंगे तो ये जो 2 है स्क्वायर रूट के अंदर जाने से ये 4 बन जाएगा, है कि नहीं. तो v बार जो है इट विल बी अंडर रूट ऑफ, जब ये अंदर जाएगा तो ये 4 इंटू 2 के टी बाय पाई एम. अब इसका लॉजिकल आंसर बहुत आसान है, अगर आप इस 2 को वापस ऑब्टेन करना चाहते हैं तो 4 के ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई कीजिए, ये 2 वापस बाहर निकल जाएगा. ठीक है, तो v बार कैन बी रिटन एज 4 टू आर 8 8kt by pi m, which is exactly same जैसा कि मैंने average के लिए कहा था. ठीक है कि नहीं,
अगर इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करें तो 8 जो है वो कांस्टेंट है, पाई जो है वो भी कांस्टेंट है, मैं इन दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ, 8 और पाई को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो आई विल ऑब्टेन 2.55 केटी बाय नॉट पाई एम, अब एम ही बचेगा, ठीक है, या मैं कह सकता हूँ एवरेज इज इक्वल टू 2.55 को रफली एस्टिमेट करके हम 3 के बराबर मान सकते हैं, रफली रफली, तो इट इज 3 केटी बाय एम, राइट। सो हमारे लिए जो एवरेज का वैल्यू आया वो आया 8 केटी बाय पाई एम या खाली 3 केटी बाय एम, ठीक है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में मैंने एवरेज वेलोसिटी जैसे अब समझाई थी, तो मैंने उस टाइम पे कहा था कि आर एम ये जो एवरेज वेलोसिटी होती है इट इज एग्जैक्टली अंडर रूट ऑफ 8 के टी बाय एम, ठीक। तो जो रिजल्ट हमें सेम टू सेम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन से भी साबित होता है, राइट। चलिए अब हम दूसरी वेलोसिटी की तरफ बढ़ते हैं, दूसरी वेलोसिटी जो है हमारी दैट इज आर एम एस वेलोसिटी, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं हमारी जो वेलोसिटी है आर एम एस वेलोसिटी, काफी आसान है आर एम एस वेलोसिटी के लिए। पहले तो देखो आर एम एस वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है। देखो आर एम एस वेलोसिटी इस तरह से डिफाइन करते हैं, वी आर एम एस वेलोसिटी जो है दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ एवरेज वेलोसिटी स्क्वायर। देखो इसका मतलब ये नहीं कि ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। ये क्या है, दिस इज द स्क्वायर ऑफ एवरेजेस, ठीक है, स्क्वायर एवरेजेस का स्क्वायर, स्क्वायर का एवरेज, ठीक है, और उसके बाद रूट, राइट। तो देखो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे एक्चुअल में, बट आपने अभी निकाला ये v बार स्क्वायर, जरा बताओ यहां से v बार स्क्वायर दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे तो इट विल बी 3 kt बाय m, तो दिस कैन बी रिटन एज 3 kt बाय m, व्हिच मींस दैट v r m s इज नथिंग बट इस एवरेज का स्क्वायर, जो एवरेज v बार स्क्वायर इज इक्वल टू 3 kt बाय m। अब इसका रूट लेना है तो इट विल बी रूट ऑफ बाय m, ठीक है कि नहीं, बाय एन रफ अप्रोक्सीमेशन हम यहाँ पे आर एम एस वेलोसिटी इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, दिस इज द रफ अप्रोक्सीमेशन, अदरवाइज द मेथड इज वेरी लॉन्ग, ठीक है। तो एक रफ अप्रोक्सीमेशन हम इस तरह से यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक। अच्छा अब तीसरी वेलोसिटी जो है दैट इज कॉल्ड एज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है। चलिए इस मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हम थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं, हमने कल भी पढ़ा था, व्हाट वी डिड टुमारो वाज एक्चुअली अबाउट दिस थिंग, कि अगर हम इस तरह से देखेंगे, ठीक है, यहां से हम लेंगे सपोज एफ ऑफ वी, ठीक है, और यहां से लेंगे हम सपोज वेलोसिटी v, ठीक है। तो जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आती है बिल्कुल इस तरह से आती है, ठीक है। तो मतलब यहां से देख लीजिए मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनके पास स्पीड ये है, ठीक है, तो दिस स्पीड वाज टर्मड एज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एमपीएस, ठीक है। अब ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, अगर मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो उस टेंजेंट का स्लोप कितना होगा, जीरो, मीन्स दैट कि एट हाईएस्ट पॉइंट एट पीक, पीक पॉइंट पे क्या होगा, डी एफ वी बाई डी वी विल बी जीरो, ठीक है कि नहीं, डी एफ वी बाई डी वी विल बी जीरो, ठीक है। अच्छा तो आप इस तरह से लिख सकते हैं डी बाई डी वी ऑफ एफ के बदले आप एफ वी के बदले आप वैल्यू डाल सकते हैं, दैट वॉज शाबाश 4 पाई एन एम बाई 2 पाई के टी टू दी पावर 3 बाई 2, देन इट वॉज वी स्क्वायर e to the power of mv square by 2kt, that should be equal to 0, ठीक है। अब 4 pi n is constant, m by 2 pi kt is also constant, so you can take them out, 4 pi n m by 2 pi kt to the power 3 by 2, then it will be d by dv of v square e to the power minus mv square by 2kt, which is 0, right? So what you need to do, you need to just differentiate this term this time. तो ये जो है ना ये बाहर वाली टर्म, चलो इस टर्म को हम फिलहाल कॉन्स्टेंट c के बराबर मान लेंगे, ठीक है कि नहीं, है ना, लेट मी राइट दिस टर्म एज c, क्योंकि बार बार लिखनी पड़ेगी तो आई विल जस्ट राइट इट c फिलहाल के लिए, बाद में लास्ट पे वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, तो c, ठीक है। और बाकी क्या बचा यहाँ पे, अभी जो डी बाई डीवी बाई डी बाई डीवी है इसको कैसे करेंगे, दिस विल बी हियर, यहाँ पे v है और यहाँ पे दूसरी टर्म है एक्सपोनेंशियल में, ठीक है। तो यू कैन अप्लाई द प्रोडक्ट रूल, u इंटू वी रूल, राइट, u इंटू वी रूल कैसे अप्लाई करोगे, लेट मी से, अच्छा थोड़ा सा मॉडिफिकेशन इसको करते हैं पहले, सो दैट हम इसको आराम से कर सकें, फिर लेट मी राइट इट वी स्क्वायर, देन आई विल राइट इट ई टू द पावर ऑफ माइनस अल्फा वी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू जीरो। Now we'll say अल्फा कहां से आया, अल्फा यहां पे मैं अल्फा में ले रहा हूं एम बाई टू के टी के बदले, ठीक है, ताकि थोड़ा सा चीजें आसान रहे, ठीक है। तो मुझे बताइए सी,
अब क्या आएगा, वी स्क्वायर को वहीं पे छोड़ दो, ठीक है, और उसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन करो तो इट विल बी ई टू दी पावर ऑफ माइनस अल्फा वी स्क्वायर। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिफरेंशिएशन वापस एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही आती है, ठीक है, और मल्टीप्लाई करोगे इसकी इंटरनल डिफरेंशिएशन तो इंटरनल डिफरेंशिएशन आएगी वी स्क्वायर की आएगी टू माइनस टू अल्फा वी, राइट, ठीक है, उसके बाद प्लस, शाबाश, देन व्हाट विल हैपन, उसके बाद आप इस टर्म को दूसरी टर्म को ऐसे ही छोड़ दो, टू ई टू दी पावर ऑफ माइनस अल्फा वी स्क्वायर को छोड़ दो, ठीक है। बाकी बची कौन सी वाली टर्म, वी स्क्वायर वाली टर्म, तो उसका डिफरेंशियल लोगे तो टी वी आएगा, टू आईस वी आएगा, विल बी जीरो, राइट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशियल वगैरह इसमें सॉल्व, ठीक। अब आप क्या कर सकते हो, डू वन थिंग, ये पूरी इक्वेशन जो है जीरो के बराबर है, ठीक है कि नहीं, इसका मतलब क्या है, दिस कॉन्स्टेंट कैन नॉट बी जीरो बिकॉज इट्स सम कॉन्स्टेंट, सो ये जीरो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब क्या है, ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है वो जीरो है, ठीक है, तो इस टर्म को वहां ले जाओ, तो इट विल बी वी स्क्वायर ई टू दी पावर ऑफ माइनस अल्फा वी, देन माइनस ए वाला, और उसके बाद टू अल्फा वी इज इक्वल टू, इसको वहां पे ले जाओ, माइनस अल्फा वी स्क्वायर माइनस, ठीक है, टू आई वी, राइट। तो ये जो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म है ये इस वाली एक्सपोनेंशियल के साथ कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, और टू भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, माइनस और माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे वी है, यहाँ पे ये वी स्क्वायर है, ठीक है, तो इस साइड भी बचेगा एक वी, क्योंकि एक वी के साथ वो कैंसिल हो जाएगा ना वहां से, ठीक है, और बचेगा यहाँ से क्या, अल्फा, और दैट इज इक्वल टू वन, राइट, ठीक है। सो हाउ कैन आई राइट इट देन, आई थिंक इट इज इट करेक्ट, ऑब्वियसली इट्स करेक्ट, ठीक है, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं, वन थिंग शुड बी देयर, आई थिंक, हाँ, यहाँ पे एक चीज है, जब आप इस v को, सॉरी, दिस हेयर लाइक दिस वे, v और v स्क्वायर मिला के हो गया v क्यूब, सॉरी सॉरी, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ v क्यूब, तो यहाँ पे बचेगा v स्क्वायर, ठीक है, तो v स्क्वायर किसके बराबर बचेगा, 1 बाय अल्फा, राइट, ठीक है, तो v स्क्वायर किसके बराबर आएगा, दैट विल बी 1 बाय अल्फा, अल्फा का वैल्यू क्या है, m बाय 2 पाई, m बाय 2 kt, 1 बाय अल्फा क्या आएगा, 2 kt बाय m, तो लेट मी राइट इट, 2 kt बाय m, तो वेलोसिटी जो है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी दैट विल बी 2 kt बाय m, ठीक है कि नहीं, जो कि रिजल्ट हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि वेलोसिटी जो है दैट इज रूट ऑफ 2 kt बाय m, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इज रूट ऑफ 2 kt बाय m, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि आप मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से तीनों तरह की वेलोसिटीज को प्रैक्टिकली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है कि नहीं, सारी वेलोसिटीज को, चाहे ये मीन हो, चाहे ये शाबाश मोस्ट प्रोबेबल हो, चाहे ये आरएमएस वेलोसिटी हो, यू कैन कैलकुलेट ऑल ऑफ द वेलोसिटीज यूजिंग द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो ये जो है ना, इट कंप्लीटली रिप्रेजेंट्स अ गैस, इन शॉर्ट वी कैन से इट इज अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ गैस, किसी भी गैस की ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है ये सब, ठीक है। तो चलिए, ठीक है,